गुजर खे गजमेल वजूँ तारुनि में तबरूं हणी हकमन के ज़ोर भरियूं ज़बरूं काक कंदी कबरूं पसो पर ॾींहं जूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीए लतीफ़, जीए लतीफ़ जी ॿोली। सिंध जे हिकु बहितरीन नावल जे तबसरे सां गॾु आउं तव्हां सां मुखातिबु थी रहियो आहियां काशिफ़ ज़ैन। अॼु जंहिं किताब जे बारे में असां ॻाल्हाइणु वञी रहिया आहियूं उहो किताब हिकु नावल आहे शम्सुल उलमा मिर्ज़ा कलीज बेग जो ज़ीनत। हीउ तबसरो कंदड़ आहे असांजो अज़ीज़, असांजो दोस्त रफ़ीक अहमद चाचड़, जिन जी महिरबानी सां हीउ तबसरो असां ते पुॻो ऐं असां तव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं। ज़ीनत सिंधी अदब में पहिरियों सिंधी हक़ीक़त निगारीअ ते ॿधलु नावल आहे, जंहिंजो लेखक सिंध जो अदीब, आलिम, नावल निगार ऐं तर्जुमे निगार शम्सुल उलमा मिर्ज़ा कलीज बेग आहे। हीउ नावल पहिरियों भेरो 1899 ईस्वीअ में शाया थियो, जंहिंमें लिखण जो मक़सदु उन वक़्त जी मौजूदा घरेलू मुआशराती हालतुनि में सिंध जे हिकु आदर्शी मोनस किरदार खे उजागर करणो। जंहिंजा ख़ासि पहलू मुस्लिम घराणे जे घरेलू ज़िंदगी, रहणी करणी, ज़माने जे हालात जो बयानु हुआ ऐं नावल जी सोर में ज़ीनत जी सीरत खे मौज़ू बणाए मुआशराती तसुब ऐं ख़राबु रवाजनि खे बेनक़ाब करे माण्हुनि खे ॿुधाइणो हो त अहिड़ो रवैयो उन लाइ नुक़सानदह साबित थी सघे थो। 1970 ईस्वीअ में जॾहिं PTV कराची मर्कज़ तां सिंधी ड्रामे जो आगाज़ थियो त पहिरियों ड्रामो हिन नावल मां ई पेश कयो वियो। हिन नावल एतिरी त मशहूरी माणी आहे जो हिन नावल जो अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमो पिणु कयो वियो आहे। नावल जे मुख्य किरदारु ज़ीनत नाले हिकु औरत आहे ऐं ज़िक्र जोॻो हिकु ॿियो किरदारु अली रज़ा ज़ीनत जो वर आहे। कहाणी जी शुरूआत सराई फतेह खान ज़ीनत जो वालिद जे घर खां थिए थी। जॾहिं संदसि घरवारी ज़ीनत नाले पंहिंजे जवान नियाणी जी शादी करण सबबि परेशान रहे थी। ज़ीनत हैदराबाद सिंध जी रवासण आहे। संदसि ख़ानदान में सिर्फ़ु संदसि अमड़, हिकु भाउ ऐं हिकु दाई आहे। दाई ऐं संदसि अमड़ हमेशह ज़ीनत जी शादी जे ऊने में रहनि थियूं। संदन ऊनो तॾहिं ख़तमु थिए थो जॾहिं ज़ीनत अली नवाज़ खान जे पुट अली रज़ा सां लाऊं लहे पंहिंजे घर जी धञाणी थिए थी। शादी खां अॻु ज़ीनत हिकु सुलझल पढ़ियल लिखियल छोकिरी आहे, जेका शादी खां पोइ मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मुंबई, बगदाद ऐं तुर्की में रही ऐं घुमी पंहिंजे ससु, वर ऐं औलाद समेत तक़रीबन पंहिंजे अध खां वधीक उमिरि परॾेह मंझि गुज़ारे थी। जिथे रही हूअ पंहिंजे मुड़ुस जे शान बशाना कमु करे ओतिरी मक़बूलियत माणे थी जेतिरी संदसि वर माणे थो। जॾहिं पीरीअ में पुॼे थी त पंहिंजे वर साण वरी पंहिंजे ॾेह हैदराबाद सिंध माघ मोटी अचे थी। ज़िंदगी जा कुझु आख़िरी ऐं हसीन लम्हा उते गुज़ारे थी। नावल अंदरि वालदेन जे अदब ऐं एतराम ते पिणु ख़ासो बहस जुड़ियल आहे। ज़ीनत ऐं अली रज़ा जे किरदारनि खे बाअदब ॾेखारे बानसीब पेश कयो वियो आहे, जॾहिं त संदन औलाद मां वॾे पुटु महबूब अली ख़ान खे वक़्ती तौरु बेअदब ॾेखारे बेनसीब पेश कयो वियो आहे। हिकु बाअदब ऐं वालदेन जी फर्माबरदारी इंसान जी ज़िंदगी हमेशह पाणी जे वहिकिरे जीअं आज़ादु रहे थी, जो जिथां वणेसि पंहिंजा कस बणाए। ज़िंदगी जा संगीन तरीन इम्तिहान बि पार करे थो। ॿिए तरफ़ हिकु बेअदब ऐं वालदेन जे नाफ़रमान इंसान जी ज़िंदगी सदाई तंग रहे थी ऐं हू हमेशह परेशान रहे थो।
कॾहिं कॾहिं इंसानु थोरी कामयाबी माणे पाण खे बानसीब सम्झी पंहिंजे वालदेन खे विसारे छॾे थो, पर हक़ीक़त त हीअ आहे जो इंसान जो बानसीब हुजण लाइ बा अदब हुअणु तमामु घणो ज़रूरी आहे, ऐं उन अदब जी पहिरीं तक़ाज़ा पंहिंजे वालदेन जो अदब आहे। ज़ाहिरी तौरु इंसानु पंहिंजी महिनत ज़रिए कामयाबी माणे छो न भले चंद पैसो खणी हथु करे, पर संदनि पोयां पंहिंजे वालदेन जो हथु ज़रूरु रहे थो। नाविल हुबुल वतनी जे जज़्बनि सां बि सरशार आहे, जंहिंजो अंदाज़ो उन मां लॻाए सघे थो त सिर्फ़ु पंहिंजे अबनि ॾाॾनि जी सरज़मीन ॾिसणु ख़ातिर अली रज़ा नंढियूं नंढियूं कामयाबियूं माणे वञी तुर्की निकिरे थो ऐं उन सरज़मीन ते रही पवे थो। वरी जॾहिं पीरी में पहुचे थो त संदसि असली माग यानी सिंध जी सिक खेसि एतिरो त सताए थी जो तुर्की जे सुल्तान खां इजाज़त वठी पंहिंजे वनी सां बाक़ी वही हैदराबाद सिंध में अची पंहिंजनि माॻनि में गुज़ारण जो पको पर करे थो ऐं ज़िंदगी जा आख़िरी लम्हा उते ई गुज़ारे थो। तॾहिं त लाखणी लती फ़रमायो आहे, सॼण ऐं साणी कंहिं अणासीअ विसरे, सॼण ऐं साणी कंहिं अणासीअ विसरे, हैफ तिनी खे होए जिनी वतन विसारी। हिन नावल जी जेतिरी ख़ूबी बयानु कजे अधूरी आहे। साथियुनि खे गुज़ारिश आहे त हीअ नायाब ऐं ठेठ आम सिंधी ॿोली में लिखियलु नावल ज़रूरु पढ़ हिन नावल खे पढ़ण सां पतो पवे थो त नावल जी असल माना आहे छा। हिन नावल जी ख़ासि ॻाल्हि त हीअ नावल तमामु सादा अल्फाज़ जे इस्तेमाल सां लिखियो वियो आहे, जंहिं सबबु नावल निगार जे नावल लिखण जो मक़सदु पूरो थिए थो ऐं पढ़ंदड़ ताईं नावल में लिखियलु पैगाम रसे थो। त दोस्तो, हीउ हुयो असांजे सिंध जो बहितरीन नावल ज़ीनत जो तबसरो, जेको तव्हांजी ख़िदमत में पेश कयोसीं। उमेदु त तव्हांखे पसंदि ईंदो। वरी मिलंदासीं हिकु नए किताब जे तबसरे सां गॾु। सिंध सलामत, सा सलामत।